मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस ओवरऑल। मैंने कुछ वेबसाइट से भी परचेस किया है, कुछ इंस्टाग्राम स्टोर से परचेस किया है और कुछ उनके ऐप है वहां से परचेस किया है। तो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मुझे इनकी सर्विसेज कैसी मिली है, इनका कस्टमर केयर कैसा है या फिर इनकी डिलीवरी कैसी है, क्वालिटी कैसी है। सो ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सो दैट आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप भी इन सारी वेबसाइट से परचेस करना चाहते हैं सो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी कि आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रस्ट ऑरेंज। सो इस तरह के पैकेजिंग में आया था ये रस्ट ऑरेंज, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो गाइज, रस्ट ऑरेंज के साथ ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा है बिकॉज मैंने ये येलो पूरा सूट ऑर्डर किया है। मैं आपको बताऊंगी कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या है रस्ट ऑरेंज के वेबसाइट के, इंस्टाग्राम पेज के। सो सबसे पहली बात तो उनका कोई एप्लीकेशन नहीं है, उनका एक इंस्टाग्राम पेज है प्लस वेबसाइट है प्लस कैश ऑन डिलीवरी का भी इनके पास मोड ऑफ पेमेंट है। तो यस, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने कैश ऑन डिलीवरी पे ही ऑर्डर किया था बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम ऑर्डर करते हैं तो आप किसी भी वेबसाइट पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो कोई वेल नोन ना हो। तो रस्ट ऑरेंज पे भी मुझे थोड़ा सा डाउटफुल था बट डेफिनेटली उनका एप्लीकेशन है जहां पे हमने सारे डिटेल्स फिल किए हैं प्लस कैश ऑन डिलीवरी था। और एक मुझे रस्ट ऑरेंज की बहुत अच्छी चीज ये लगी कि मैंने इस ड्रेस को 25 मई को ऑर्डर किया था और 29 मई को मुझे ये ड्रेस रिसीव हो गया था। सो यस, उनकी सर्विस बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे। ऑरेंज के जो भी कपड़े हैं उनकी क्वालिटी ना तो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी है और ना ही बहुत ज्यादा लो क्वालिटी है, एक एवरेज क्वालिटी है। तो अगर आप ऐसा सोच के रस्ट ऑरेंज से परचेस कर रहे हैं कि मुझे बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी अगर एक्सपेक्ट करके परचेस कर रहे हैं तो प्लीज ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। उनके जो मटेरियल है डेफिनेटली गुड मटेरियल, स्टिचिंग इज ऑल्सो गुड बट बहुत ही एवरेज मटेरियल है। एवरेज इनकी जो भी डिजाइन है सारी चीजें इनकी एवरेज है, नॉट हाई क्वालिटी नॉट लो क्वालिटी। सो लेट मी क्विकली शेयर विथ यू गाइस कि हाउ इट लुक्स। डेफिनेटली मैंने इस ड्रेस को परचेस किया था सिर्फ और सिर्फ कलर के लिए, येलो कलर का ड्रेस मुझे चाहिए था। और यस, सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो ये इस तरीके से दिखता है, ये है कुर्ती, 3/4 स्लीव्स है और राउंड नेक है और यहाँ पे आप देखेंगे गोटा पत्ती वाला यहाँ पे लेस लगाया हुआ है। प्लस इस पे ओवरऑल ड्रेस पे जो प्रिंट है वो गोल्ड कलर का प्रिंट है। ओके, सो मेरी डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ इस चीज से है, इस प्रिंट से है। जब मैंने इनकी इमेजेस देखी थी रस्ट ऑरेंज पे तो ये जो प्रिंट है गोल्डन प्रिंट ये बहुत ज्यादा यू नो वाइब्रेंट था बट ये एक्चुअल में जब मुझे रिसीव हुआ और मैंने इस ड्रेस को देखा तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई थी प्रिंट से क्योंकि ये जो प्रिंट है वो बहुत ज्यादा लाइट प्रिंट है। तो एक्चुअल में गोल्ड वाला जो प्रिंट होता है, जो उसका लुक क्रिएट होता है इमेज में देख के, उस तरह का लुक ये एक्चुअल में क्रिएट नहीं हुआ। अदरवाइज मटेरियल इज गुड, स्टिचिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। सिर्फ इनके जो प्रिंट होते हैं प्रिंट पे बहुत ज्यादा डाउटफुल है मुझे। इनके जितने भी ड्रेसेस हैं उन सारे ड्रेसेस प्रिंट वाले ही हैं। सो डेफिनेटली आप उस चीज को ध्यान में रख के परचेज कीजिए कि जो भी प्रिंट आपको मिलेगा वो प्रिंट बहुत ज्यादा लाइट होगा एक्चुअल में। आप उनके इमेजेस के हिसाब से एक्सपेक्टेशन मत रखना। सो ये रहा मेरा ओवरऑल रिव्यू ऑफ रस्ट ऑरेंज। डेफिनेटली आप रस्ट ऑरेंज से जा सकते हैं क्योंकि इस ड्रेस के साथ ये पूरा सूट मुझे कुछ 1400 में मिला है बट मटेरियल अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है। इसका जो इलास्टिक है, इलास्टिक भी बहुत ज्यादा अच्छा है। इसका जो पैजामा है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसकी स्टिचिंग काफी अच्छी है प्लस इसके पैजामे में पॉकेट्स भी हमें मिल जाता है। सो यस, दिस इज गुड। ऑल्सो इसमें दुपट्टा भी मिला हुआ है। सो दुपट्टा में भी जो प्रिंट है वो गोल्डन कलर के प्रिंट किए गए हैं बट वो भी बहुत ज्यादा डल है। मुझे ऐसा लगता है अगर उनको गोल्डन प्रिंट उनके इमेजेस में बहुत ज्यादा ब्राइट है तो प्लीज उसको एक्चुअल में भी ब्राइट होना चाहिए। ब्राइट क्यों नहीं है, जिसके वजह से आपके ड्रेस का लुक पूरा चेंज हो जाता है।
ओके और दुपट्टा मैंने देखा है कि इनके जितने भी ड्रेसेस हैं, अगर दुपट्टे वाले ड्रेसेस है उनके, तो जो भी दुपट्टा है वो लेंथ में काफी अच्छा है, बट विड्थ इनका इतना ही आपको मिलेगा। कोई भी आप ड्रेस परचेस कर लीजिए, उसके ड्रेस के दुपट्टे की विड्थ आपको बहुत ज्यादा कम मिलेगी, बट दिस इज फाइन मुझे। सो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड प्रोडक्ट की। सो सेकंड प्रोडक्ट है टाटा CL IQ। तो टाटा CL IQ से भी मैंने फर्स्ट टाइम परचेस किया है, इनका प्रॉपर एप्लीकेशन है। सो टाटा CL IQ से मुझे ये प्रोडक्ट बहुत लेट रिसीव हुआ था। एक्चुअली ये मैंने मार्च में ही ऑर्डर कर दिया था, बट ड्यू टू लॉकडाउन ये प्रोडक्ट मुझे मई में रिसीव हुआ। तो टाटा CL IQ से मैंने ये ब्लैक ड्रेस ऑर्डर किया है, इसमें मुझे एक प्लाजो और एक कुर्ती रिसीव हुआ है। सो जब मैंने इस ड्रेस को ऑर्डर किया था, तो इस ड्रेस की जो रेटिंग थी वो 1 की रेटिंग थी। स्टिल मैंने इस ड्रेस को ऑर्डर किया, बिकॉज आई डोंट नो क्यों इसे 1 का रेटिंग दिया गया था, बट मुझे इसका पैटर्न बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया था। प्लस मुझे टाटा CL IQ से एक्सपीरियंस लेना था कि ये ऐप एक्चुअल में अच्छा है या नहीं है, इनके सर्विसेज कैसी है, प्रोडक्ट कैसा है क्वालिटी वाइज। सो यस, क्वालिटी वाइज इट्स गुड। मुझे लगता है इस प्रोडक्ट को 1 का रेटिंग इसलिए दिया था क्योंकि ये बहुत ज्यादा पतला मटेरियल है, बिकॉज ये प्योर कॉटन में मटेरियल, तो बट ऑब्वियसली वो पतला ही होगा, और ऐसे मटेरियल्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा ब्रीदेबल होते हैं। आप इन्हें विंटर, समर, रेनी सीजन, कोई भी सीजन में पहन सकते हैं। ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल क्लॉथ्स होते हैं अगर ये बहुत ज्यादा पतले और कॉटन के मटेरियल है तो। बट ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी के लिए इसे 1 का रेटिंग दिया होगा, बट मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी, और इनकी स्टिचिंग, इनका पैटर्न, इनका डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा है। सो ये इस तरीके से दिखता है, यहाँ पे ये नॉट आता है, मैं आपको पहन के दिखा दूंगी। इसका लुक ओवरऑल बहुत ज्यादा प्रिटी दिखता है ये पहनने के बाद। सो इसमें इस तरीके से गोल्डन लेस लगाया हुआ है, और ये पूरा प्योर कॉटन मटेरियल है। मटेरियल इज वेरी नाइस, और प्लस इसका पैटर्न बहुत ज्यादा अच्छा है गाइस। सो यस, टाटा CL IQ से आप परचेस कर सकते हैं, वहां पे बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है। और मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हूँ इसके प्लाजो से, बिकॉज इसका प्लाजो कुछ ज्यादा ही पतला है। बट यू नो, इसका जो ऊपर का ड्रेस है उसका लेंथ बहुत ज्यादा है, तो बट ऑब्वियसली ये दिखेगा नहीं। तो सो ओवरऑल ये जो ड्रेस है ये वन ऑफ माय फेवरेट ड्रेस, आज मैं जितने भी आपको दिखा रही हूँ उसमें से सबसे ज्यादा अच्छा मुझे टाटा CL IQ से लिया हुआ ये ड्रेस मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। सो यस, ओवरऑल एक्सपीरियंस विद टाटा CL IQ से बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। सो यस गाइज, आप इस ऐप से ऑनलाइन शॉपिंग डेफिनेटली कर सकते हैं। सो अब जो थर्ड प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है फ्रॉम Ajio। तो Ajio का तो आप लोगों को पता ही होगा कि यस ये वेबसाइट बहुत ज्यादा अच्छी है। तो मैंने Ajio से प्लाजो ऑर्डर किया है, ये प्लाजो बीवा ब्रांड का है, और इसमें मैंने साइज L लिया है, बिकॉज इनका जो L साइज है वो 28 है वेस्ट से, और ये ऑरेंज कलर में है, कॉटन मटेरियल है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। प्लस इसके जो नीचे का ये डिजाइन, जो प्रिंट वाला डिजाइन बना हुआ है, ये काफी ज्यादा अच्छा है, बिकॉज इसमें मल्टी कलर्स है। तो आप इसका जो टॉप होगा उसको मल्टी कलर यूज कर सकते हैं, लाइक व्हाइट यूज कर सकते हैं, ग्रीन यूज कर सकते हैं, येलो यूज कर सकते हैं। सो इस प्लाजो को आप टी शर्ट के साथ यूज कर सकते हैं, कुर्ती के साथ यूज कर सकते हैं। सो यस, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस Ajio वेबसाइट, बिकॉज बहुत ज्यादा अच्छा है। Ajio से भी आप परचेस कर सकते हैं। मेरा फोर्थ प्रोडक्ट है वो है फ्रॉम FabElli। फैब एली बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, इनकी कस्टमर सर्विस, इनकी डिलीवरी सब कुछ बहुत अच्छी है, इनकी रिटर्न पॉलिसी, इनकी एक्सचेंज पॉलिसी। अगर आप फैब एली के वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे ऑलमोस्ट 50% ऑफ चल रहा है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो मैंने वहां से एक टॉप ऑर्डर किया है और एक ये ब्लाउज ऑर्डर किया है। तो इसका प्राइस था कुछ 1400 जो मुझे 700 में रिसीव हुआ है, और इसका प्राइस था कुछ 1500 जो मुझे 750 में रिसीव हुआ है। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती कि हाउ इट लुक्स। अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह के पैकेजिंग में आता है FabElli से, ये इंडिया ब्रांड का है। इसमें मैंने मेरा साइज मंगाया है M साइज, ये इस तरीके से दिखता है, ये पूरा गोल्डन यहाँ पे
वर्क किया हुआ है और यहाँ पे हुक्स लगे हुए हैं। सो आप इसे मल्टी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप इसे साड़ी के साथ यूज कर सकते हैं, आप इसे जींस के ऊपर पहन सकते हैं, आप इसे लहंगे के ऊपर पहन सकते हैं। सो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं आप। और जो फैदली का नेक्स्ट है वो है ये ब्लाउज, येलो कलर का ब्लाउज मैंने ऑर्डर किया है जो मुझे 700 में मिला है। इसके पीछे एक जिप दिया हुआ है जो बहुत ही इजी है आपको वेयर करने में, इजीली आप इसे वेयर कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। प्लस इसके स्लीव्स हैं, हाफ स्लीव्स में है ये, और इसका राउंड पैक नेक है, ये भी इंडिया ब्रांड का है। इसमें भी मैंने साइज लिया है एम साइज। सो इफ यू वॉन्ट टू बाय आप फैब एली के वेबसाइट से ले सकते हैं। आई हैव ओवरऑल एक्सपीरियंस विथ फैब एली इज वेरी नाइस, इनका मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छा है और वेरी गुड क्वालिटी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।